मैं शर्मी आपकी आज की ब्यूटी थेरेपिस्ट। मैम आपने एक फेशियल बुक किया था, तो वो फेशियल शुरू करने से पहले क्या मैं आपके साथ थोड़ा कंसल्टेशन कर सकती हूँ? मैम आपने लास्ट फेशियल कब दिया था? मैम कौन सा प्रोडक्ट से दिया था? वी एल सी सी का कौन सा प्रोडक्ट था? गोल्ड। ओके, जनरली आप गोल्ड फेशियल ही करवाते हो, राइट? तो मैम इस बार आपने डैजलिंग डायमंड बुक किया है? कुछ भी नहीं। ओके मैम, आज हम डैजलिंग डायमंड से आपका फेशियल करना शुरू करेंगे। इसमें मैम टोटली 6 स्टेप्स हैं, ठीक है? क्लेंजर है मैम, स्क्रब है, ठीक है, देन सैरम है, देन क्रीम मसाज होगा, देन मास्क लगेगी, देन एंड में मोल्डिंग मास्क होगा, ठीक है? तो ये पूरा फेशियल करने में हमें 1 आवर 15 मिनट्स का टाइम लगता है, ठीक है? स्टार्टिंग विद द क्लेंजर। अभी हम इसको वाइप ऑफ करेंगे। ये हम स्क्रब को पैक ब्रश की हेल्प से फर्स्ट अप्लाई कर लेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द फोरहेड, स्क्रब के ग्रैनुल्स थोड़े से हार्श हैं तो स्क्रब बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड के साथ नहीं करना, लाइट सर्कुलर मोमेंट्स। हम स्क्रब को क्लीन कर रहे हैं। स्क्रब के ग्रैनुल्स बहुत ज़्यादा वेट टिश्यू से क्लीन नहीं होंगे, तो आप बेस को क्लीन करो और उसके बाद आपको ग्रैनुल्स के लिए ड्राई डस्टिंग करनी पड़ेगी। मैम प्लीज़ अपने क्लोज आईज क्लोज कर लीजिए क्योंकि हम अभी स्टीमिंग करेंगे इस पर। अभी हम एक्सट्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे अभी हम डायमंड सेरम अप्लाई कर रहे हैं क्लाइंट के फेस पे, जिसको हम डैबिंग टेक्निक से स्किन में अब्सॉर्ब करा देंगे विद इन 2 to 3 मिनट्स। आई एम स्टार्टिंग विद द मसाज। अभी हम मास्क एप्लीकेशन कर रहे हैं। हमारा मास्क एप्लीकेशन हो गया है। क्लाइंट को हम आईपैड लगा देंगे विथ रोज वाटर एंड हम क्लाइंट ड्राई मसाज स्टार्ट करेंगे। हम अभी मास्क का 10 मिनट्स कवर हो गया है, तब तक हमने हेड ड्राई मसाज और पाम में ड्राई मसाज कर दिया है। अभी हम आई पैड को रिमूव कर रहे हैं और पैक को इमल्सीफाई करके हम रिमूव करेंगे। अभी हम मास्क को इमल्सीफाई कर चुके हैं, अभी हम इसे रिमूव कर रहे हैं। मैम इस फेशियल में मैम 2 मास्क हैं, एक क्ले बेस और एक मोल्ड मास्क जो कि रबर मास्क है।
क्लेबिस मास्क ऑलरेडी हम आपके यूज़ कर चुके हैं, अभी हम रबर मास्क यूज़ करेंगे मैम। वो बेसिकली आपके आईज और लिप्स को कवर करके लगाया जा सकता है मैम, पर आपको अगर कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक टेंडेंसी है तो आपके आईज और लिप्स को हम अवॉइड करेंगे। पर मैम आईज में लगाने से आपको एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगा, तो क्या आप लगाना चाहती हैं मैम? ओके पर मैम रबर मास्क लगाने के बाद कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको लगता है कि डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आप बस अपना हैंड रेज करना, मुझे समझ में आ जाएगा एंड आई विल रिमूव इट। ठीक है मैम? ओके मैम, ये पैक अभी आपको 20 मिनट्स रहेगा। ड्यूरिंग दिस टाइम अगर आपको कोई डिस्कम्फर्ट होगा आप प्लीज़ मुझे बताना, और इस टाइम पे मैं आपकी ड्राई मसाज करूँगी मैम, हेड शोल्डर एंड पाम। जब आपका 20 मिनट्स क्रॉस हो गया है आप नेक लाइन को थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करोगे तो देखना ऐसे फ्री एजेस आपको मिल जाएंगे, आपको पील ऑफ करने में हेल्प हो जाएगी। सब लोग देख पा रहे हैं ऐसे हो सकता है कि क्लाइंट के मुंह के अंदर भी जो पानी चला जाए जो क्लाइंट को अच्छी ना लगे। हेयर लाइन में जो थोड़ा थोड़ा पील ऑफ लगा हुआ है तो उसको आप वेट टिश्यू से ऐसे धीरे धीरे आराम से स्ट्रेच मत कीजिएगा और ऐसे उसको रिमूव करिए। अभी हम एंड में थोड़ा सा मॉइस्चराइजर एकदम लाइट हैंड से